देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को फर्रुख मुगल का प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। अभी की जो हमारी वीडियो है, अनपैकिंग एंड रिव्यू की वीडियो है, अनबॉक्सिंग कह रहे हैं, एक तरह से जा रहे, टाइम वेस्ट ना करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है हमारे पास आज अनपैकिंग और रिव्यू के लिए। तो जी हाँ, इस वक्त आपको नजर आ रहा है यह अचार, जो कि बहुत ही कमाल का, जबरदस्त किस्म का नेशनल का अचार है, जो कि आप कह लें मिक्स अचार है और ऑयल के साथ है, और ये क्रस्ट अचार है और बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, और जो कि आप कह लें कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ तैयार किया गया है। क्रस्ट पिकल्ड जो कि आप कह लें मिक्स्ड है और ऑयल है इसके साथ, ऑयल के साथ है, मतलब खुशक नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। इसको मैं अनपैक करूंगा, रिव्यू करूंगा और सवाले से बात वगैरह करूंगा। अचार वगैरह के जो शौकीन होते हैं, हर कोई शौकीन होता है, ज़ाहिर है खाना वगैरह घर में अगर अच्छा नहीं पकता और जो है तो लोग अचार से भी अक्सर खाना खा लेते हैं, और या फिर अगर सालन अच्छा नहीं होता और साथ में अचार हो तो फिर खाने का मज़ा जो है अच्छा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, दुबला हो जाता है। यानी कि अचार तो मतलब एक तरह से तकरीबन सबको ही पसंद होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन होता ये है कि अचार वगैरह जो है, जैसे कि साबुत होते हैं, मैंगो आम की पीस होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वगैरह इस तरह से होती हैं कि जो लोग किसी से कहते हैं गुटली को हड्डी कहते हैं कि हड्डी आ गई, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड, तो जो है फिर मज़ा नहीं आता। तो तभी जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अचार के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और जो है वो चाहते हैं कि बस ज़बरदस्त वो टेस्टी अचार ज़बरदस्त किस्म का खाते जाएँ। तो ये क्रस्ट और मिक्सड अचार है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेशनल वालों ने बनाया गया, और नेशनल की प्रोडक्ट जो होती हैं बहुत ही कमाल की, ज़बरदस्त आला और उमदा मैार की होती हैं, चाहे इनके मसाले हों, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे अचार हो, हर लिहाज से जो बहुत परफेक्ट किस्म की इनकी प्रोडक्ट होती है, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। और अचार वगैरह के तो लोग शौकीन वगैरह होते हैं, लेकिन होता ये है, इसका फायदा ये कि ये मिक्स है और जो है क्रस्ट हुआ है, ठीक है। अचार वगैरह जो शौकीन होते हैं तो बाजार से अचार वगैरह लेकर खाते हैं, ज़्यादा खुला अचार मिलता है गली मार्केट और जो बाजार वगैरह लगते हैं उनमें। लेकिन जो है होता है कि पता नहीं होता कि किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, जो कि आप कह लें आपको आपकी हेल्थ को फायदा देने के बजाय और उल्टा नुकसान दे देता है। और नेशनल का जो अचार होता है बहुत परफेक्ट तरीके के साथ बनाते हैं, बहुत मयारी और पायदार, और आप कह लें हेल्थ के लिहाज से न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ होता है, चाहे आप मतलब नॉर्मल अचार ले लें या क्रस्ट अचार। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आपसे, क्रस्ट अचार की बात कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का है ये, और जो है मैं आपको अनपैक करके ही बताऊंगा और मैं आपको उसको टेस्ट करके ही बताऊंगा। पहले मैं आपको उसके प्राइस वगैरह बता देता हूँ। इसके जो प्राइस हैं वो हैं 300 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, जो कि आप कह लें 750 ग्राम ये, और काफ़ी बड़ा मतलब पैक है, जार एक तरह से आप कह लें काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, और जो कि फैमिली पैक है एक तरह से, और जो जिन लोगों की फैमिली बड़ी है तो वो बहुत आराम से इसको महीने तक खा सकते हैं, और अगर छोटी फैमिली तब भी आपने तो काफी टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो जो है आप ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना रखें जहाँ बहुत ज्यादा हीट हो, तपिश हो, या फिर इससे मतलब ज़ाहिर इसका टेस्ट भी खराब हो सकता है, जायका भी, और ये खराब भी हो सकता है। आप जो इसको ओपन करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे सही तरीके से जार को ढक्कन बंद करके रखें, या फिर आप जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख सकते हैं, और जो कि आप जब चाहे इसको इस्तेमाल करें, कोई इसका साइड इफेक्ट भी ऐसा नहीं है और काफी लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। मैं अभी आपको उसको ओपन कर दिखाता हूँ कि किस तरीके का है ये, और मैं आपको टेस्ट भी कर दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके से ये पैक हुए हुआ है, मैं अभी इसको खोलता हूँ और जो है आपको टेस्ट भी कर दिखाता हूँ, जो कि बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको इन्होंने पैक किया है। वाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक तरह से खुशबू आई है जैसे ही मैंने इसको ओपन कराया, वाकई में कमाल ही हो गया, बेहतरीन है। ये देखें मैं आपको टेस्ट भी करके बताता हूँ, और आप कोशिश ये करें, तो मैं अभी आपको फिलहाल टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ, तो जो है आप कोशिश ये करें। वाओ, परफेक्ट, बहुत जायकेदार, बहुत लजीज कमाल का। आपको कोशिश ये करनी है, जैसे आपको जितना खाना है वो आप स्पून से इसको निकाल लें, और वो स्पून जैसे कि तो जो आपके मुंह में गए हुए आपने इस्तेमाल किया वो बार बार इसमें ना डालें, कोशिश ये करें जितना चाहिए आपको चम्मच से निकाल लें आप, और फिर जो है उसी स्पून को जो है अलग कर लें, बार बार मुंह में जबान में टेस्ट करने के बाद दोबारा ना डालें, क्योंकि डायरेक्ट का खराब होने के चांसेस होते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक स्पून इसके अंदर डाल दें, आराम से स्पून इसके अंदर आ जाता है, और उसी से आप निकाल लें और उसको उसमें डाल रहे हैं और जार को बंद कर दें अच्छे तरीके के साथ।
तो ये भी परफेक्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने आपको तरीकेकार बता दिया, और जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, चाहे आप राइस के साथ लें, चावल के साथ, या फिर सालन के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ, या नॉर्मल खाना चाहें, जिस हिसाब से आप, हर तरीके से ये परफेक्ट है जो कि आप कहने क्रस्ट मिक्स्ड अचार का हमने आपके सामने रिव्यू किया और इस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने परफेक्ट तरीके के साथ आपको चीज़ के बारे में बताया। मिक्स अचार है तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे गाजर हो गया आपके लिए, मैंगो हो गया, लहसुन वगैरह वगैरह, जो भी मतलब मिक्स अचार के अंदर चीज़ें होती हैं, परफेक्ट हर किसी को पसंद आएगा। इतनी कमाल की ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, तो जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नहीं इसमें ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट और परफेक्ट रिजल्ट के साथ है। हर कोई आसानी से खा सकता है और जो है मज़े से इंजॉय कर सकता है, जो कि बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त किस्म का नेशनल का क्रस्ट पिकल्ड मिक्स अचार, जो कि हमने आपके सामने ऑयल के साथ है इसका अनपैक किया, रिव्यू की, इस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।